राइट मुरली रिवाइज सब्जेक्ट वाणी साथ साथ जो टाइम टू टाइम उन्हीं दिनों मिलने वाली अभ्यक्त वाणियां होती थी उनकी भी व्याख्यात्मक वाणी चलती थी। अभी एडवांस में मम्मा बाबा के समय की पुरानी मुरलियां मिल गई तो धीरे धीरे एक एक करके जो जो मुरलियां इस तरह से परिष्कृत होती जाएंगी उनका क्लैरिफिकेशन डायरेक्ट मिलता जाएगा। आज है तेरह सात अड़सठ की साकार वाणी ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को बाप कहते हैं अपन को आत्मा समझो और बाप को याद करो। कहते कौन है कहने वाली आत्मा कौन है तो बाप कहते हैं ओम शांति। इनका अर्थ तो बच्चों को समझाया है बाप भी बोलते हैं ओम शांति और बच्चे भी बोलते हैं ओम शांति क्योंकि आत्मा का स्वधर्म है शांति। इसका मतलब जब हम या कोई भी अशांति में होते हैं तो स्वधर्म में होते हैं या परधर्म में टिके होते हैं पर माना माया माया रावण माया रावण की धारणा में जब टिक जाते हैं तो आत्मा अपन को शांत स्वरूप अनुभव नहीं करती। तुम अभी जान गए हो कि हम शांति धाम में थे शांति धाम से यहाँ आते हैं पहले पहले सुख धाम में तो ग्रेड ऊंचा चढ़ा नीचा चढ़ा शांति धाम से सुख धाम में आए तो नीचे उतरे या ऊंचे गए नीचे आए सुख ज्यादा ऊंची चीज है या शांति ज्यादा ऊंची चीज है सुख क्योंकि बाप का वर्षा है सुख और शांति। शांति और सुख नहीं कहा जाता क्या कहा जाता है सुख शांति का वर्षा। तो ऊंची थी ऊंची स्टेज में बाप आकर के हमको सुख की स्टेज में भेजते सुख धाम में फिर 84 जन्म लेते लेते दुख धाम में आ जाते क्यों शांति धाम से सुख धाम में आए तो उतरना क्यों होता है क्योंकि आत्मा जितना जितना सुख भोगती है
उतना उसकी शक्ति पहले कम छीण होती है और बाद में ज्यादा से ज्यादा छीण होती जाती है। तो दुख का कारण क्या हुआ? पुनर्जन्म लेना। अच्छा, ये तो 5000 वर्ष के ड्रामा की बात हुई। शूटिंग पीरियड में आत्मा क्यों दुखी होती जाती है? भगवान बाप मिला, ऊंचे से ऊंचा ज्ञान मिला, फिर आत्मा ऊपर चढ़नी चाहिए या नीचे गिरती जाती है? क्यों? क्योंकि जब से ज्ञान में आते हैं तो जन्म मरण का चक्र, उसकी शूटिंग शुरू हो जाती है। ब्राह्मणों की दुनिया में जन्म किसे कहा जाता है? निश्चय बैठा माना जन्म हुआ, और अनिश्चय बैठा माना मृत्यु हो गई। निश्चय किस बात का? बाप के ऊपर निश्चय कि हमारा बाप आया हुआ है। बाप आया हुआ है ये निश्चय बैठा तो उसमें परसेंटेज होती है क्या कि 90% हमारा बाप आया हुआ है, 10% बाप? नहीं होगा। ऐसे लौकिक जीवन में भी कोई नहीं कहता होगा। कैसे? ये हमारा 90% बाप है, 10% बाप नहीं है। बाप है तो बाप है, और नहीं है तो नहीं है। तो जब निश्चय उखड़ जाता है, संशय आ जाता है, तो संशय आत्मा विनश्यति, उसका सुख शांति का वर्षे का नाश हो जाता है। तो पुनर्जन्म में आने से, जन्म मरण के चक्र में आने से आत्मा नीचे गिरती है। तो क्या करना चाहिए? सदैव निश्चय बुद्धि विजयंती की, विजयते की स्टेज में रहना चाहिए। तो ये बात तो तुम बच्चों को याद है ना? बच्चे 84 जन्म जीवात्मा बनते हैं और बाप जीवात्मा नहीं बनते हैं। कौन सा बाप? बाप तो बेहद के दो हैं। एक है सुप्रीम सोल बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप, और दूसरा है मनुष्य आत्माओं का बाप। तो जीवात्मा कौन नहीं बनता और कौन सा बाप बनता है? जो जीवन धारण करता है वो जीवात्मा बनता है, और जो जीवात्मा नहीं बनता, कभी भी जीवन धारण नहीं करता, माना जन्म मृत्यु के चक्र में नहीं आता, वो बात है सुप्रीम सोल। कहते हैं मैं टेम्परेरी इनका आधार लेता हूं, नहीं तो पढ़ाएंगे कैसे? इनका आधार लेता हूं, इनका, इसका नहीं कहा। माना कोई दो आत्माएं हैं जो शशि रूपी रंगमंच पर माता पिता का पार्ट बजाती हैं, जिन्हें दूसरे धर्म वाले भी एडम ईव आदम हव्वा कहते हैं। भारत में उनको आदिदेव आदिदेवी कहते हैं। इनका आधार लेता हूं, लेकिन आधार 5000 वर्ष के लिए लेता हूं या सिर्फ संगम युग में थोड़े समय के लिए लेता हूं?
टेम्परेरी आधार लेता हूँ। अगर आधार नहीं लूंगा तो पढ़ाऊंगा कैसे? बच्चों को घड़ी घड़ी ऐसे कहेंगे कि मन मना बब। क्या बब? मत मना भव। मत मना मेरे, मना मने मन में, भव मन समझ। क्या कर? मेरे मन में समझ। अच्छा, सुप्रीम सोल को मन होता है? नहीं, है? सुप्रीम सोल को तो मन नहीं होता है। फिर उन्हें समझ आने की बात कहाँ पैदा होती? जब वो प्रवेश करता है तो जिस तन में प्रवेश करता है उसको अपना मन, मन रूपी घोड़ा होता है। तो उस मन रूपी घोड़े के जो श्रेष्ठ संकल्प हैं, उन संकल्पों में तू भी समझ। माना तेरे संकल्प मात्र भी जिस तन में आता हूँ उस तन के संकल्पों से विपरीत नहीं होने चाहिए। संकल्पों तक समानता होनी चाहिए। वाचा और कर्मणा की तो बात ही बहुत बड़ी है। वाचा कर्मणा में तो विपरीत होने की बात होना ही नहीं चाहिए। संकल्पों तक भी समानता। मनमना भव अर्थात मुझे याद करो और अपनी राजाई को याद करो। इसको कहा जाता है सेकंड में विश्व की बात से। क्या याद करो? मुझे याद करो। माने किसको याद करो? बिंदी को। बिंदी विश्व का बादशाह बनेगी? नहीं बनेगी। अगर सिर्फ बिंदी को याद किया तो हम भी क्या बन जाएंगे? बिंदी बन जाएंगे। तो कहाँ बैठना पड़ेगा? तो परमधाम में बैठना पड़ेगा। तो ये नहीं कहा कि मुझे बिंदी रूप को याद करो। क्या कहा? मन मना भव मेरे मन में समा जा। माना मैं जिस तन में प्रवेश करता हूँ उसके मन रूपी जो स्वरूप संकल्पों विकल्पों का है, विकल्प तो उसके चलते ही नहीं। किसके? जिसमें मैं प्रवेश करता हूँ चलने ही नहीं देता। कौन नहीं चलने देता? जो लगाम को, मन बुद्धि की लगाम को थामने वाला सुप्रीम सोल है वो उसके मन को विकल्प में नहीं जाने देता। तो ऐसे स्वरूप में तुम भी समा जाओ। इसको कहते हैं सेकंड में विश्व की बात से। जैसे को याद करेंगे वैसे ही खुद भी बनेंगे। बेहद का बाप है ना, तो जरूर बेहद की खुशी, बेहद का नशा ही देंगे और बेहद का वर्षा देंगे। भारत में ही आकर के बच्चों को बाप बेहद का वर्षा देते हैं। कहाँ आकर के? भारत में आकर देते हैं। ऐसे नहीं आकर के ज्ञान सुनाते हैं और चले जाते हैं, बाद में वर्षा मिलता रहता है। नहीं, भारत में आते हैं और आकर के वर्षा दे करके जाते हैं। आज से 5000 वर्ष पहले तुम भारतवासी विश्व के मालिक थे। जिसको सुखधाम कहते हैं, बाप बहुत सहज रास्ता बताते हैं।
मीठे मीठे बच्चों, अभी क्या करो? अभी क्या बताया? मन मना भव, माना अभी दुख धाम को बुद्धि से निकाल दो। क्या दुख धाम को बुद्धि से निकाल दो? किस आधार पर? बाप ने जो ज्ञान दिया है उस ज्ञान के आधार पर इतनी पराकाष्ठा का ज्ञान मिला हुआ है कि बुद्धि से दुख धाम की बात निकल जानी चाहिए। यहाँ इस दुख धाम में बहुत दुख है तो इनको बुद्धि से निकाल दो। बाप जो नई दुनिया स्वर्ग स्थापन कर रहे हैं उनका मालिक बनने के लिए मुझे याद करो। नई दुनिया का मालिक बनना चाहते हो तो मुझे याद करो, माना जैसी मेरी स्थिति है वैसी तुम्हारी भी स्थिति हो जानी चाहिए। अगर ऐसा करेंगे तो तुम्हारे सभी पाप कट जाएंगे। तुम सेकंड में सतो प्रधान बन जाएंगे। फिर से 5000 वर्ष पहले भी सतो प्रधान बने थे और अब फिर से सतो प्रधान बन जाएंगे। तुम जानते हो हम सतो प्रधान थे, फिर तमो प्रधान बने। कैसे? पुनर्जन्म लेते लेते निश्चय अनिश्चय के चक्र में आते आते हम तमो प्रधान बने। पीरियड में कितनी बार आवृत्ति करते हैं? कम से कम 4 बार। हमें उन राहों पर चलना है जहाँ गिरना और संभलना है, फिर ऊपर चढ़ते हैं, फिर नीचे गिरते हैं, फिर ऊपर चढ़ते हैं। अब ये कब तक करते रहेंगे? तुम सतो प्रधान बन जावेंगे अभी तो तमो प्रधान। इसको कहा जाता है सहज याद। जैसे बच्चे लौकिक बाप को कितना सहज याद करते हैं, है? लौकिक माँ बाप सहज रीति याद आते रहते हैं और इस पारलौकिक बाप को याद करने के लिए क्या क्या तामझाम इकट्ठा करते हैं? कैप रिकॉर्डर बजाओ, लाल लाइट करो, संगठन की याद में बैठो और लौकिक बाप को अकेले बैठे भी याद करते रहते हैं। कोई तामझाम की दरकार नहीं। तो आर्टिफिशियल याद कौन सी है और सहज और ओरिजिनल याद कौन सी है? ओरिजिनल याद तक हमको पहुंचना है। ये लौकिक बाप को कितना सहज याद करते हैं, वैसे तुम बेहद के बच्चों को भी बेहद के बाप को याद करना है। बाप ही दुख से निकाले सुख में ले जाते। क्या सुख में ले जाने वाला और कोई मनुष्य मात्र गुरु नहीं है? यहाँ तो दुख दुख ही दुख है और वहाँ तो दुख का नाम निशान नहीं होगा। बहुत सहज बातें बताते हैं, कहते हैं अपने शांति धाम को याद करो। जो बाप का घर है
वो ही तुम्हारा घर है। और स्वर्ग नई दुनिया को याद करो, ये तुम्हारी राजधानी है। बाप तुम बच्चों को कितनी निष्काम सेवा कराते हैं और करते भी हैं। तुम बच्चों को सुखी करके खुद वानप्रस्थ में जाकर बैठ जाते हैं। तुम भी तो परमधाम के वासी हो, सुखधाम में तो बाद में आते हो। पहले कौन सी स्टेज में पहुंचते? शांति धाम में पहुंचना माना वाणी से परे की स्टेज में पहुंचना। अशांति मारा मारी कब होती है? जब बहुत वाणी में आती, एक ने बोला दूसरे ने उससे ज्यादा तीखा बोल दिया, तो शांति धाम नहीं हो सकता। और यह शांति बढ़ती जाती है। वास्तव में तुम शांति धाम वासी हो, जिसको निर्वाण धाम वानप्रस्थ कहा जाता है। बाप आते ही हैं बच्चों को खिदमत करने के लिए, अर्थात वर्षा देने के लिए। ये खुद भी बाप है, वर्षा लेते हैं। यह कौन? सरकार बाप। शिव बाबा तो है ऊंचते ऊंच। क्या है ऊंचते ऊंच? भगवान। ये कुछ नहीं लेता है, कुछ नहीं। शिव बाबा है ऊंचते ऊंच भगवान। शिव के मंदिर भी है। कहाँ होते हैं शिव के मंदिर? सोमनाथ। ऊंची स्टेज में होते मंदिर हमेशा शिव का ऊंची स्टेज। गड्ढे में नहीं बनाया जाता। कहाँ बनाया जाता है? ऊंची ऊंची स्टेज में बनाया जाता है। उनका कोई बाप भतीजा नहीं होता। इतना ऊंचा है कि उनको जन्म देने वाला कोई बाप नहीं, वर्षा देने वाला कोई बाप नहीं, और समझाने वाला उसका कोई टीचर, उसको कोई भी समझाए नहीं सकता। सारी सृष्टि के आदि मध्यंत का ज्ञान उनके पास है। आया कहाँ से? क्या कोई वेद शास्त्र आदि पढ़े? नहीं। बाप तो है ही ज्ञान का सागर। वो सृष्टि के आदि मध्यंत को जानते हैं। बच्चे महिमा भी करते हैं। बरोबर बाप सुख का सागर है, शांति का सागर है और पवित्रता का सागर है। ये महिमा और कोई की भी नहीं होती। कौन सी महिमा? तो जो ज्ञान का सागर हो, सुख का सागर हो और पवित्रता का सागर हो। विश्व के आदि मध्यंत का राज जो सुनाते हैं, उनकी बायोग्राफी ऑक्यूपेशन ही अलग है। फिर ऊंचते ऊंचे है जो विश्व के मालिक बनते। पहला नंबर ऊंचते ऊंचे भगवान किसको बताया? सुप्रीम सोल शिव को। और फिर
फिर ऊंचते ऊंच जो है वो कौन है, जो विश्व के मालिक बनते हैं। ये नहीं कहा वैकुंठ के मालिक बनते हैं या सतयुग के मालिक बनते हैं, क्या कहा? विश्व के, जो विश्व के मालिक बनते हैं। विश्व किसे कहा जाएगा? विश्व कहा जाएगा जहाँ सब धर्म मौजूद हों। 500 करोड़ की दुनिया जहाँ पर मौजूद हो, तो ऊंचते ऊंच हुआ है सेकंड नंबर में, ऊंचते ऊंच। फर्स्ट नंबर में कौन? सुप्रीम सोल शिव। और सेकंड नंबर में ऊंचते ऊंच तो विश्व के मालिक बनते हैं जिनको लक्ष्मी नारायण कहते हैं। कौन से लक्ष्मी नारायण? सतयुग के नीचे उतरती कला वाले नारायण लक्ष्मी नारायण नहीं, जो संगम युग में लगातार ऊंची स्टेज में चढ़ने वाले लक्ष्मी नारायण बनते, विश्व के मालिक बनते हैं। किनों की महिमा अलग है? किनों की? जो संगम युग में सारे विश्व के मालिक बनते हैं उन लक्ष्मी नारायण की महिमा, और जो आगे आने वाले लक्ष्मी नारायण हैं उनकी महिमा से बिल्कुल अलग है, जो पूरे 84 जन्म लेते हैं। उनकी महिमा करते हैं सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण हिंसक मर्यादा पुरुषोत्तम। तो फर्क हो जाता है ना, इसमें किस में फर्क हो जाता है? पहले नारायण में जो नर से नारायण बनते हैं, और जो सतयुग में नंबर वार नारायण बनेंगे उनमें फर्क हो जाता है, उनकी महिमा में फर्क हो जाता है। बाप की महिमा और दैवी गुणों वाले मनुष्यों की महिमा में फर्क जरूर होगा। इनों को ये दैवी गुणों की प्राप्ति हुई है बाप से। इनों को कहके किसकी तरफ इशारा किया? जो संगमयुगी लक्ष्मी नारायण है उनकी तरफ इशारा किया कि इनों को प्राप्ति किससे होती है? डायरेक्ट सुप्रीम सोल बाप से। और दूसरे जो लक्ष्मी नारायण नंबर बार सतयुग में बनते हैं उनको डायरेक्ट सुप्रीम सोल की श्रीमत पर चलने की हिम्मत उनमें नहीं है। वो क्या करते हैं? वो कोई न कोई मनुष्य गुरुओं की चक्री में फंस जाते हैं, एक कीमत पर नहीं चल पाते। तो इनों की ये दैवी गुणों की प्राप्ति हुई है बाप से। दैवी गुणों की प्राप्ति बाप, धारणा की बात हुई ना? ये धारणा इन्होंने किससे प्राप्त की? जो बातें धारण की हैं उनके आधार पर जो धारणा बनी वो बाप से डायरेक्ट इन्होंने प्राप्त की, और किसी मनुष्य मात्र के प्रभाव में ये आए ही नहीं। तो वो दैवी गुण धारण कर देवता बनने वाले पहले आसुर गुण, असुर कहलाते थे। असुर से देवता बनाना ये तो बाप का ही काम है। क्या? असुर से देवता बनाना, मनुष्य से देवता नहीं बताया। असुरों से देवता बनाना ये तो बाप का ही काम है। एम आध्यात्मिक भी तुम्हारे सामने क्या है, है? हमको इस तरह का नर से डायरेक्ट नारायण बनना है, नारी से डायरेक्ट इसी जन्म में लक्ष्मी बनना है। ये एम आध्यात्मिक तुम्हारे सामने है, जड़ चित्रों में है या चैतन्य चित्रों में है? जड़ चित्रों वाली अगर एम ऑब्जेक्ट रखेंगे तो क्या बनेंगे? जड़ बुद्धि बनेंगे।
और चैतन्य चित्रों वाली अगर अहम ऑब्जेक्ट सामने होगी तो हम भी चैतन्य चित्र बनेंगे। तो अहम ऑब्जेक्ट तुम्हारे सामने है, तुम जानते हो कि पहला हमारा जन्म ये है था क्या, जो 84 जन्मों में सबसे ऊंचे ऊंचे जन्म है वो हमारा पहला जन्म था। जरूर ऐसे श्रेष्ठ कर्म किए होंगे। कैसे, जो हमने इतना श्रेष्ठ जन्म पाया, कर्म अकर्म विकर्म की गति अथवा हर बात समझाने में बाप को सेकंड लगता है। कोई कठिनाई कोई देर नहीं लगती। बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, तुम आत्माओं को पार्ट तो बजाना ही, ये पार्ट तुमको अनादि अविनाशी मिला हुआ है, ये पार्ट कब विनाश नहीं हो सकता। तुम कितना बारी सुख दुख के खेल में आए हो, कितना बारी तुम विश्व के मालिक बने हो, फिर हार खाते आए हो। जब बाप आते हैं तो हार खाना चाहिए या जीत पहनना चाहिए? जीत पहनना चाहिए। लेकिन क्या होता है, बाप के आने पर भी हार खाते हैं। क्यों? क्योंकि श्रीमत पर पूरा नहीं चलते, निश्चय अनिश्चय के चक्र में आते रहते हैं। विनाश, हाँ, कितनी बारी तुम विश्व के मालिक बने हो और फिर हार खाए हो। तुम विश्व के मालिक थे, कितना सुखी थे, अभी तो कुछ भी नहीं है। जमीन का टुकड़ भी नहीं है। तुम कितना ऊंच बनते हो फिर कितना नीचे गिरते हो। ऊंचे को सतो प्रधान और नीच को तमो प्रधान कहा जाता है। क्या कहा? जब तीन पैर पृथ्वी टुकड़ जमीन भी नहीं मिलती तो नीचे हुए या ऊंचे हुए? नीचे हुए। यादगार कौन सी है? वो ऊंचते ऊंच की यादगार भी बनी हुई है शहरों में। लक्ष्मी नारायण का मंदिर कितना भव्य बनाया जाता है और दूसरे देवताओं के मंदिर नंबरवार बनाए जाते हैं। तो अभी तो देखो जमीन का टुकड़ भी तुम्हारे पास नहीं। क्या गए ने पांडवों को तीन पैर पृथ्वी के भी नहीं मिले। तुम कितना ऊंच बनते हो फिर कितना नीचे होते जाते हो। नीच को तमो प्रधान कहा जाता है, तमो प्रधान से फिर सतो प्रधान, फिर तमो प्रधान से सतो प्रधान। तुम कल्प कल्प ऐसे बनते रहते, तो ये विचार करो। क्या विचार करो कि हम तमो प्रधान क्यों बनते रहे और सतो प्रधान कब बनते रहे? विचार करो, आत्मा तो कितनी छोटी है और उसमें छोटी आत्मा में कितना पार्ट भरा हुआ है।
आत्मा भी छोटी और परमपिता परमात्मा जो सुप्रीम सोल है वो भी इतना ही छोटा है। कितना है? जितनी आत्मा छोटी है उतना सुप्रीम सोल परमपिता परमात्मा भी छोटा है। तेरह सात अड़सठ की वाणी का दूसरा पेज, वो सुप्रीम सोल ज्ञान का सागर है। क्या है? ज्ञान का सागर है और शांति का सागर है। इस सृष्टि पर सागर से बड़ी कोई चीज होती नहीं। तो वो ज्ञान का भी सागर है और शांति का भी सागर है। तो तुम आत्माओं को भी आप समान बनाते हैं। क्या बनाते हैं? सागर के बच्चे सागर मास्टर ज्ञान सागर बनाते हैं। तुम भी प्रेम का सागर सुख का सागर बनते हो। देवताओं का आपस में कितना प्रेम होता है, कब झगड़ा नहीं होता। अगर झगड़ा होता है तो इसका मतलब देवता में राक्षस संप्रदाय है, अभी देवता नहीं बने। धनी आकर के आप समान बनाते हैं और कोई ऐसा बनाए नहीं सके। तुमने कितनी भक्ति की है, यज्ञ तप दान पुण्य जन्म जन्मांतर किए हैं। उन दान तप यज्ञ उनका नतीजा क्या हुआ तुम जानते हो? सीढ़ी नीचे गिरते आए हो, रावण राज्य के कारण पतित बनते आए हो, तो क्या करो? हैं? रावण राज्य माना दस सिरों के राज्य से तुम पसार होते आए हो तो नीचे गिरते आए हो। दस सिर में अकल कितनी तरह की होगी? दस प्रकार की अकल होगी। तो अभी करना क्या है जो बार बार भूल जाते? एक कीमत पर चलते। क्या माया रावण बीच में घुसे आता है, हमारी भी कैसेट सुनो। क्या कहता है? हमारी भी कैसेट सुनो। बाबा मुरली में क्या कहते? बाबा कहते हैं अगर एक के अलावा किसी दूसरे से सुना तो ज्ञान कैसा हो जाएगा? बेविचारी ज्ञान हो जाएगा। तो रावण बेविचार फैलाता है और बाप अब बेविचारी बनाते। तो रावण राज्य के कारण तुम पतित बनते आए, तो फिर किसके राज्य में रहना चाहिए? राम के राज्य में रहना चाहिए। लेकिन राम का राज्य अभी हुआ है? हैं? नहीं हुआ है। फिर हो रहा है? हो रहा है। शुरुआत कहाँ से होगी? घर से शुरुआत होगी। पहले तो घर होता है, घर में कौन होता है? माता पिता और बच्चे होते हैं। तो पतित बनते आए हो रावण राज्य में, अभी तुमको स्मृति आई है। क्या स्मृति आई है? कि हम रावण के राज्य में होते हैं तो पतित होते आते हैं, और एक राम के राज्य में होते हैं तो पावन बनते हैं। माना एक की मत से सदगति और अनेकों की मत से दुर्गति। अभी तुमको स्मृति आ गई है। अच्छा, बहुत बड़ी बात हो गई। क्या स्मृति आ गई? कि हम एक कीमत पर चलेंगे, दूसरे कोई कीमत पर नहीं चलेंगे।
हम पावन पूज्य थे, फिर पुनः जन्म लेते लेते पतित पुजारी बने। बता दिया, पतित और पुजारी क्यों बने? पुनर्जन्म लेते लेते। तो बार बार इस जन्मरण के चक्र में आना जरूरी है क्या? नहीं, लेकिन फिर भी आते हैं। क्यों? ड्रामा। माँ ने डरा दिया, ड्रामा। किसने डराया? माया। माँ ने डराया। अरे माँ कहीं डराती है? हैं? ड्रामा, शूटिंग का चक्कर। अच्छा, शूटिंग का चक्कर खत्म कर दो, उसका चक्का जाम कर दो। हैं? भगवान के लिए कहना कि आपे ही पूज्य हो, आपे ही पुजारी हो, क्या भगवान ही पूज्य बनता है और भगवान ही पुजारी, पूजा करने वाला पुजारी बनता है। ये तो उनकी ग्लानी है, ये उनकी महिमा नहीं है। माना भगवान कभी भी पूज्य और पुजारी नहीं बनता, क्या न वो पूज्य बनता है और न वो पुजारी बनता। माने किसी की पूजा नहीं करता, कौन? भगवान। भगवान पुजारी नहीं बनता है? अरे भगवती की तो पूजा करता होगा है? नहीं करता। क्यों? पति की नहीं बनता तो पूजा क्यों करेगा? बोला तो है, माता गुरु बगैर उद्धार हो न सके है। सत्यनारायण कथा में क्या गायन है? क्या गायन है? लक्ष्मी का गान नहीं है, लक्ष्मी का गान नहीं है। हाँ, अच्छा अच्छा, सत्यनारायण की जो कथा होती है उसमें सत्यनारायण का महिमा दिखाई गई है, लेकिन सत्य लक्ष्मी को कथा के रूप में नहीं दिखाया गया। तो सत्य सिर्फ एक होता है और बाकी दुनिया में सब नंबरवार झूठ है। जो झूठ होंगे वो क्या बनेंगे? झूठा ही बनाएंगे। और जो सच्चा होगा 100% वो सच्चा बनेंगे। अगर एक बूंद भी असत्य है तो क्या हो जाएगा? झूठा। तो असत्य हो जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा। तो भगवान की ग्लानी करते हैं कि परमात्मा पूज्य बनता है, परमात्मा पुजारी बनता है। भगवान कैसे पुजारी बनेंगे? क्या उनको निश्चय अनिश्चय का चक्र आता है क्या? नहीं। ना? उनको तो निश्चय अनिश्चय का चक्र आता ही नहीं। आता किसको है? जो नंबर वाले आत्माएं हैं उनको जन्म मरण का चक्र आता है, अप एंड डाउन में आते हैं, लेकिन वो कभी जन्म मरण के चक्र में आता ही नहीं। तो पुजारी बनेगा क्यों? बाप आकर के समझ देते, क्या समझ देते कि उसने कोई शास्त्र आदि नहीं पढ़े। किसने? इसने तो पढ़े हैं, लेकिन उसने कोई शास्त्र आदि नहीं पढ़े हैं। उसने कह के किस तरफ इशारा दिया? जिस तन में फाइनल प्रवेश करके सुख धाम शांति की धाम की स्थापना करते हैं उसके लिए इशारा दिया। उसने कोई शास्त्र आदि नहीं पढ़े। क्यों? प्रजापिता ने कोई शास्त्र आदि नहीं पढ़े लौकिक जीवन में, पढ़े फिर है? पढ़े तो हैं, लेकिन जो शास्त्र आदि पढ़े हैं उनसे इस ज्ञान का कोई कनेक्शन बनता नहीं है। उतना इससे बनता है, ये तो ईश्वरी ज्ञान ही निराला है। जो बाप आकर समझ देते हैं वो शास्त्रों से समझ नहीं मिल सकती।
तो उसने कोई सास शादी पड़ी है क्या? कुछ भी नहीं। अनायास ही ड्रामा में पार्ट है, वो सुप्रीम सोल अनायास प्रवेश करता है और पार्ट बजाता है। ये ज्ञान का सागर है, सारी आदिमत्यंत को जानता है, मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन और खेल कहाँ होता है? इस स्थूल वतन में खेल होता है। पहले पहले आज सनातन देवी देवता धर्म का पार्ट बजाने आती हूँ। कौन कौन से वंशी? सूर्यवंशी और चंद्रवंशी, फिर इस्लामी, बौद्धी। नंबर वार तुम समझ गए हो कौन कौन है इस मानवे में, व नाटक या नाटकशाला में कौन कौन आते हैं। लेकिन 84 जन्म तुम लेते हो क्या? सबसे जास्ती जन्म के चक्कर में भी तुम आते हो। तो ज्यादा जन्म के चक्कर में जो आता है उसको घाटा होना चाहिए, या कम निश्चय अनिश्चय के चक्कर में आता हो उसको घाटा होना चाहिए? ज्यादा माना ज्यादा अनुभवी बन जाता है, ज्यादा अप एंड डाउन में आएगा तो आत्मा जास्ती अनुभवी बनती है। गायन भी है, आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल। पहले पहले तुम आत्माएं आई हो तो बाप से तुम अलग हुए हो, भल हुआ गाते हैं परंतु अर्थ कुछ भी नहीं समझते। कौन सी आत्माएं हैं जो बहुत समय अलग रही है बताओ? वो कौन सी आत्माएं हैं जो परमात्मा बाप से बहुत समय अलग रही? कहाँ की बात है? यज्ञ के आदि की बात है। यज्ञ के आदि में ढेर आए और छोड़ करके चले गए, फिर बहुत साल के बाद जब सती की शूटिंग पूरी होती है तो धीरे धीरे आना शुरू होते हैं। सती की शूटिंग के बाद त्रेता युग की शूटिंग में भी आते रहते हैं थोड़े थोड़े करके, द्वापर युग की शूटिंग में भी आते रहते हैं थोड़े थोड़े करके, फिर कलयुग की शूटिंग में भी थोड़े थोड़े वो बीज रूप आत्माएं आती रहती है। तो सबसे जास्ती तुम बिछुड़े हो। बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, पहले पहले विश्व में पार्ट बजाने तुम आए थे, तुमने ही 84 जन्म लिए। तुम किसे कहा जाता है? जो सन्मुख बैठा होता है उसे तुम कहा जाता है। मैं तो सिर्फ थोड़े समय के लिए इनमें प्रवेश करता हूँ। इनमें राम और कृष्ण की आत्माओं में मैं थोड़े समय के लिए प्रवेश करता हूँ। और यह तो पुरानी जूती है, कौन सी? ये ब्रह्मा का तन तो पुरानी जूती है। पुरुष की एक स्त्री मर जाती है तो कहते हैं पुरानी जूती गई, अभी फिर नहीं लेते हैं। पुरानी जूती किसको बता दिया? दादा लेखराज ब्रह्मा के तन को बता दिया पुरानी जूती, ये है पुरानी जूती। अच्छा
काल क्या दिया, पुरुष की एक स्त्री मर जाती है तो कहते हैं पुरानी जूती गई, स्त्री को क्या बना दिया, जूती बना दिया। कहाँ, कौन से देश में बनाया जाता है पुरानी जूती? भारतवासी जो है वो स्त्री को जूती कहने लग पड़ते हैं। क्यों स्त्री को जूती क्यों बना दिया? पुरुष का जो बुद्ध रूपी पांव है उसको सहयोग देने के लिए स्त्री बनाई जाती है। स्त्री किस लिए बनाई जाती? ऐसा सहयोग करे जो उसके जीवन में क्या आए, सुख शांति आए। तो पांव में जूती किस लिए पहनी जाती है? पांव में जूती इसलिए पहनी जाती है कि कोई ठोकर न लगे, ठोकर का असर न हो, कांटा न लगे, पत्थर से न टकराए, है? तो स्त्री को भारत में जूती कह दिया। कहते हैं पुरानी जूती गई, अभी फिर नहीं लेते हैं। ये भी पुराना तन है ना, कौन सा दादा लेखराज का जो तन है, जो सन 68 में जीवित था जिस समय ये वाणी चलाई जा रही थी, उसके लिए कहा ये भी पुराना तन है ना, माना पुरानी जूती हुई। 84 जन्मों का चक्र लगाया हुआ है, क्या 84 जन्मों का चक्र लगाया हुआ है। तो मैं आकर इस रथ का आधार लेता हूं, जिसने 84 जन्मों का चक्र लगाया, तत्त्वम जो ये जूती है तो तुम भी हो, तत् जो ये है वही तुम हो। तो मैं आकर के इस रथ का आधार लेता हूं। पावन दुनिया में तो मैं कभी आता ही नहीं हूं, क्या पतित पुरानी दुनिया में आता हूं और पतितों को पावन बनाता हूं, और पतितों को पावन बनाता हूं। पुरानी दुनिया में आता हूं, पुराने तन में आता हूं, न नई दुनिया में आता हूं और नई दुनिया के नए तन में कभी भी प्रवेश नहीं करता। तुम पतित ही मुझे बुलाते हो, क्यों नहीं प्रवेश करता हूं पावन तन में, पावन दुनिया में क्यों नहीं आता हूं? क्योंकि पावन दुनिया में जो देवताएं होते हैं पवित्र, वो कभी बुलाते नहीं। बुलाते कौन है? हे पतित पावन सीताराम आओ। इसलिए वाणी में क्या बोला, जो पतित से पावन बनते हैं वो पतित पावन बाप को बुलाते भी, और जो पतित से पावन बनते नहीं वो कभी पतित पावन कहकर बुलाते भी। तुम पतित ही मुझे बुलाते हो, ये आकर के पावन बनाओ, क्या हम अपने आप पावन नहीं बन पाएंगे पुरुषार्थ करके? क्या करो, हमारे पास आ जाओ और आकर के फिर हमको पतित से पावन बनाओ। बुलाते बुलाते आखिरी तुम्हारी याद फलीभूत तो होगी ना कि नहीं होगी? फलीभूत तो होगी। जब पुरानी दुनिया खत्म होने का समय होता है तब मैं आता हूं। ऐसे नहीं पुरानी दुनिया शुरू हो जाए बनना तो मैं द्वापर युग से ही आ जाऊं। कब आता हूं? कलयुग। जब पुरानी दुनिया खत्म होने का समय होता है तब मैं आता हूं। ब्रह्मा द्वारा स्थापना,
पहले पहले क्या करता हूँ, तीन मूर्तियों में से पहले ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण धर्म की स्थापना करता हूँ। ब्रह्मा द्वारा अर्थात तुम ब्राह्मणों द्वारा, ब्रह्मा होगा तो ब्राह्मण भी होंगे। ब्राह्मणों की चोटी कही जाती है ना, पहले पहले चोटी ब्राह्मण चोटी, फिर ब्राह्मण चोटी क्या बनती है, ब्राह्मण सो ब्राह्मण सो फिर देवता, क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये तुम बायजोली खेलते हो। तो 84 जन्मों का राज कितना सहन करके समझाते हैं, वो लोग तो त्रिमूर्ति बनाते हैं। कौन लोग? वो लोग तो त्रिमूर्ति बनाते हैं और क्या कहते हैं, कहते हैं ब्रह्मा द्वारा स्थापना, क्या कहते हैं ब्रह्मा द्वारा स्थापना। अच्छा, तो वो लोग त्रिमूर्ति बनाते हैं, उस त्रिमूर्ति में ब्रह्मा का ओरिजिनल चित्र भी रख देते हैं और क्या कहते हैं, ब्रह्मा द्वारा गाय की स्थापना है, ब्रह्मा द्वारा स्थापना काहे की, ब्राह्मण धर्म की स्थापना, नई दुनिया की स्थापना नहीं है, नहीं वो तो नहीं कहते ऐसे, वो तो कहते हैं ब्रह्मा द्वारा नई सृष्टि की स्थापना, विष्णु द्वारा पालना और शंकर द्वारा विनाश। क्या समझाते हैं त्रिमूर्ति को, ब्रह्मा द्वारा नई सृष्टि की स्थापना। तो अगर ब्रह्मा द्वारा नई सृष्टि की स्थापना करते हैं तो फिर समझाना भी तो पड़े कि क्या 68 में ब्रह्मा द्वारा जब उन्होंने शरीर छोड़ा 69 में 18 जनवरी को, तो क्या नई दुनिया की स्थापना हो गई? वो कहेंगे चलो माउंट आबू हम तुम्हें नई दुनिया दिखा। जैसे भक्ति मार्ग वाले भी कहते हैं, भक्ति मार्ग वाले क्या कहते हैं, चलो ऋषिकेश है, हरिकेश कहते भी हैं ब्रह्मा द्वारा स्थापना, परंतु किसकी, ब्रह्मा द्वारा किसकी स्थापना, ब्राह्मण नई दुनिया की तो स्थापना नहीं हुई, सिर्फ सिर्फ नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार ब्राह्मणों को तैयार किया, ये तो मानना पड़ेगा, क्या ब्राह्मणों की स्थापना हुई। लेकिन ब्राह्मणों का शास्त्रों में उतना कोई गायन उतना नहीं है, वो तो जानते हो, वो तो नहीं जानते, तुम समझते हो विष्णु राज्य की स्थापना, जिसको लक्ष्मी नारायण का राज्य कहते हैं। क्या कहा, ब्रह्मा द्वारा किसकी स्थापना, विष्णु के राज्य की स्थापना, लक्ष्मी नारायण के राज्य की स्थापना, किसके द्वारा, ब्रह्मा द्वारा। तो ब्रह्मा जीवित तो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, जरूर ब्रह्मा भी चाहिए, समझानी तो बहुत सहज है, क्या समझानी बहुत सहज बताई। तो जरूर ब्राह्मणों में कोई ब्राह्मण चोटी होगी, क्या ब्राह्मण किसको कहा जाता है, जो पवित्र रहते हैं उनको ब्राह्मण कहा जाता है। तो जो पवित्र रहने वाले ब्राह्मण हैं, उन ब्राह्मणों में जरूर कोई ऐसी ब्राह्मण चोटी है, चोटी क्यों कहा जाता है और चोटी का आकार कैसा दिखाया जाता है, गांव गौ के खुर के बराबर, ऐसी अंगुल भर की चोटी नहीं, कैसी है, जैसी शक्तिमान में दिखाई, किसको, और जो सूर्यवंशी ब्राह्मण होते हैं उनको कैसी छोटी दिखाई, गाय के खुर के बराबर,
जायका खुर क्यों दिया है? गौ के माफिक बुद्धि है खुर माना, बुद्ध रूपी पांव कैसा है? गौ के माफिक। तो जिसको लक्ष्मी अनकराज्य कहते हैं समझानी बहुत सहज है। एक तो अपन को आत्मा समझना, देह अभिमान को छोड़ देही अभिमानी बनना है। क्या कहा? ये स्थापना भी कब स्थापन होगी? ये लक्ष्मीनारायण का राज्य भी कब स्थापन होगा? और ब्रह्मा द्वारा ब्रह्मा जी कब स्थापन कर सकेंगे? पहले क्या करें? पहले अपन को देह अभिमान छोड़ करके आत्मा समझ करके बैठे। तुम 84 शरीर लेते हो, मैं तो एक ही बार इस मुकर्रर तन में आता हूं, सिर्फ एक ही बार आकर के लोन लेता हूं, इसको किराए पर लेता हूं। क्या? इसको किराए पर लेता हूं तन को। मैं इस मकान का मालिक नहीं हूं। किसने कहा? सुप्रीम सोल बाप कहते हैं मैं इस तन का मालिक मालिक नहीं हूं। तो मालिक कौन है? अरे ब्रह्मा के लिए कहा ना कि मैं इस तन का मालिक नहीं हूं, तो फिर मालिक कौन है उसका? है जिसको तन दे दिया। वाह, ब्रह्मा का तन मालिक ब्रह्मा ही हुआ। जब नाम है ब्रह्मा माने बड़ी माँ, तो बड़ी माँ का कोई बड़ा बप्पा भी तो होगा। तो इसलिए इशारा दिया मैं किराए पर लेता हूँ, हम इस मकान का मालिक नहीं। माने सुप्रीम सोल बाप कहते हैं मैं इस मकान का मालिक नहीं हूँ। इनको तो फिर भी किराया देंगे ना, किराया देना तो पड़ता है ना। बाप भी कहते हैं मैं इस मकान का किराया देता हूं। क्या? मैं इस मकान का किराया देता हूं। बेहद का बाप है, क्यों किराया देता हूं? हद का बाप नहीं है, 2, 4, 5, 8, 10, 15, 20 बच्चों का बाप नहीं है, बेहद का बाप है। तो कुछ तो किराया देते